अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम व उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि अब विश्वविद्यालय जिस तरह 80% छात्रों के फेल होने की सूचना आई है वह सही नहीं है। इसके लिए जिलाधिकारी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। कहा, कहीं पर भी किसी बच्चों का हित नहीं होने दिया जाएगा। किसी विशेष विषय में अधिकतर छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसका और क्या रास्ता है, तथा इसकी पूर्णता जांच कराई जाएगी। यदि किसी भी प्रकार की खामी व गलत है, प्रदेश में पारदर्शिता पूर्ण परीक्षाएं सभी जगह की गई है। 80% हो ऐसा नहीं, छोड़िए, कुछ में कम है, कुछ में ज्यादा है। मैं पूरी रिपोर्ट मंगा लेता हूँ और रिपोर्ट मंगाने के बाद जो भी होगा बच्चों का हित नहीं होगा। अगर कहीं भी कोई रिपोर्ट आएगी मैं उसको पूरी चेकिंग करूँगा। फैजाबाद से तेलकर लाइंस के लिए आजम खान की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है तेलका हेडलाइन न्यूज और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है telkaheadlines.in@gmail.com। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं।